जी नमस्ते। बस नमस्ते नमस्ते तारा भैया, नमस्ते प्राजिता जी, सभी को नमस्ते। तो हम लोग इस स्लाइड से तो काफी फेमिलियर होंगे, ये बहुत बार हम लोग देख चुके हैं, इसके ऊपर बहुत बार डिस्कशन भी हो चुका है, UHV2 वर्कशॉप में भी, UHV1 में भी। तो इसेंशली इसमें हम देख रहे हैं कि क्या इसमें डिस्कस हो रहा है कि मानव जो है वो मैं और शरीर इन दोनों का सहअस्तित्व है। ह्यूमन बीइंग इज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। तो ये जो दो इकाइयां हैं, सेल्फ मैं और बॉडी शरीर, इन दोनों को डिस्टिंक्टली अलग अलग देख के समझने की जरूरत है, क्योंकि ये दो डिस्टिंक्ट इकाइयां हैं। अभी जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम क्या मान के चलते हैं कि मैं डिस्टिंक्ट हूँ, शरीर एक डिस्टिंक्ट इकाई है, या कि कुछ कंफ्यूजन है? तो अभी जब हम सुबह उठ के अपने आईने में देखते हैं, मिरर में देखते हैं, तो हमें अपने बॉडी का रिफ्लेक्शन दिखता है। तो हम क्या उसी को मान के चल रहे हैं कि मैं यही हूँ, या मैं अपने में ध्यान दे के, अपने में अंदर देख के, अपने विचारों को देख के, अपने भाव को देख के, अपने अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं उसके बेसिस पे इन दोनों को डिस्टिंक्टली अलग अलग देख पा रही हूँ? ये जरूरी है। तो इसमें जब हम देखने गए कि ये दोनों जो इकाइयां हैं, इनमें जो आवश्यकता इनकी है वो अलग अलग है। तो मेरी आवश्यकता क्या है? मेरी आवश्यकता है सुख की। शरीर की क्या आवश्यकता है? शरीर की आवश्यकता है सुविधा की, जैसे कि भोजन। हम खाना देते हैं शरीर को, शरीर बढ़ता है। मेरे अंदर क्या जो आवश्यकता है सुख की, वो पूरे टाइम बनी रहती है या कभी कभी मुझे सुख चाहिए? तो ये भी आई थिंक बहुत क्लियरली देख पाए हम लोग सब के हमें सुख चाहिए निरंतर। कभी आप अगर अपने आप से पूछें कि किसी भी क्षण आप दुखी होना चाहते हैं क्या? क्योंकि ये जो नीड है, ये जो आवश्यकता है, ये पूरे टाइम बनी रहती है। तो हम सुखी ही होना चाहते हैं, ऐसा हम ध्यान देंगे तो देखने को मिलेगा। अगर हम इसको देखें कि शरीर की जो आवश्यकता है भोजन की, ये कंटिन्यूअस है या सामयिक है? तो ये भी देखेगा कि हम ना भोजन तो बीच बीच में लेते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट खाते हैं, फिर 3-4 घंटे हमें भोजन की जरूरत नहीं लगती, फिर हम शरीर को लंच टाइम में भोजन देते हैं, और ऐसा चलता रहता है। तो ये सामयिक है, टेम्पररी है। और जब हम उसको क्वांटिफाई करने जाते हैं तो हमें ये दिखता है कि इसकी कोई मात्रा होती है भोजन की। तो किसी को कितना भोजन चाहिए, किसी को कितना भोजन चाहिए, ये वेरी करता है, लेकिन हर एक का कोई एक लिमिटेड क्वांटिटी, कोई एक सीमित मात्रा में भोजन की जरूरत पड़ती है किसी भी शरीर के लिए। तो कोई होगा जो 2 रोटी खाएगा, कोई होगा जो 4 रोटी या 6 रोटी खाएगा, या साउथ में होंगे तो चावल या इडली, कितना खाएगा वो वेरी करता है, लेकिन हर एक का कोई एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है जिसको हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर हम सेल्फ की आवश्यकता को देखें तो इसका लेना देना भाव से है, क्वालिटेटिव है, इसमें मात्रा नापी नहीं जा सकती। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमें इतना विश्वास चाहिए,
या हम थोड़े से खुश हैं या सुखी हैं, या हम बहुत ज्यादा सुखी हैं, एक गुणात्मक चीज है, तो भाव से रिलेटेड है। तो हमारे अंदर वो भाव, जैसे विश्वास का भाव या सुख, या तो हम सुखी हैं या नहीं है, या तो हम हमारे अंदर विश्वास का भाव है या अविश्वास का भाव है। तो इस तरह से गुणात्मक है, इसको मेजर नहीं कर सकते। इसमें अगर किसी का कुछ प्रश्न बनता हो या कुछ ऑब्जर्वेशन हो तो बात कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आप हैंड्स रेज कर सकते हैं अगर इसमें कुछ डाउट है तो। ये बातें वैसे हो चुकी हैं, बट फिर भी अगर कुछ डाउट है तो अभी बात कर सकते हैं, वरना आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो अभी आपने बोला गुणात्मक है, लेकिन कभी कभी हमें डाउटफुल लगता है या कुछ ये भी लगता है वो भी लगता है, तो इसको हम हाँ या ना में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए, हमको अगर देखेंगे तो हम अगर क्षण क्षण का हिसाब देखें, हर क्षण में भाव बदल रहा हमारे अंदर, है ना। विचार को देखेंगे, विचार भी बदलते रहते हैं, और कभी भी हम ध्यान देने जाते हैं अंदर, अपने अंदर, तो देखते हैं कि विचार तो बहुत तेजी से चल रहे हैं। अभी एक विचार है, अभी कुछ और है, अभी कुछ और है ना। मोमेंट टू हाँ मोमेंट, क्षण क्षण में बदल रहा है। इसी तरह भाव भी बदलते रहता है। तो कभी कभी हम पूरा लंपसम देख लेते हैं, पिछले आधे घंटे में मेरा ये भी भाव चल रहा था, वो भी चल रहा था, मैं तो सुखी भी था, दुखी भी था। लेकिन मोमेंट टू मोमेंट इसको थोड़ा ध्यान देंगे, हर टाइम पे ध्यान देंगे, तो दिखेगा कि या तो मेरा जो भाव है वो सहज स्वीकृति के लाइन में है या नहीं है। जब जब वो लाइन में है तो मैं अपने आप में सुखी महसूस करती हूँ अपने आप को, और जब जब लाइन में नहीं है तो मैं सुखी नहीं हूँ। क्या है कि हम उसको, जैसे अभी हमारे स्थिति हो सकती है कि कभी कभी हम बहुत रेसलेस हो जाते हैं, बहुत अपने अंदर ना विचार बहुत तेजी से चल रहे हैं, हमें हमारा अपने अंदर ध्यान नहीं है, लेकिन ये लगता है कि कुछ ठीक नहीं है या कुछ मिसिंग है, इस टाइप का। यस तो और ध्यान देने जाएंगे तो ये हो सकता है कि हमें दिखे कि इस क्षण मेरा भाव ठीक नहीं था। तो बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस से थोड़ी कम हो, रेस्टलेसनेस दिखने लगती है तो हमें लगता है बेटर है, तो फिर हमें लगता है कि हाँ हम दुखी तो नहीं है। लेकिन और ध्यान देने जाएंगे, एक एक क्षण पे ध्यान देने जाएंगे तो ये थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा। ठीक है, ये यस इसका मतलब लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन यही हो सकता है कि इसका मतलब हमें जो भ्रम होता है कि ये कम ज्यादा है ऐसा वैसा है, तो इसका मतलब लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन या अवेयरनेस का एक वजह से वो भ्रम हो रहा है। हाँ, तो इसमें हम और थोड़ा गहराई से देखने जाएंगे तो अपने को दिखेगा ये, है ना, यस पर हम ध्यान दें, खुद देखने ओके का कोशिश करें अपने अंदर कैसा चल रहा है। और जैसे जैसे हम लोग वो एक्सरसाइजेस करते जाएंगे ना, जैसे जैसे अपने अंदर ध्यान देते जाएंगे तो और दिखेगा। अभी हम लोग का इतना प्रैक्टिस में नहीं है कि अंदर ध्यान दें, तो हम बाहर ही देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा ध्यान अंदर जाएगा तो हमें वो दिखेगा कि अभी देखो इस क्षण मेरा भाव ठीक नहीं था और मुझे डिस्टरबेंस लगा, मेरे को डिसहार्मनी दिखी अपने अंदर, ऐसा। ठीक है, ये यस समझ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मेरे अंदर आवश्यकता है सुख की, इसको हम, इसकी पूर्ति हम कर सकते हैं सही समझ और सही भाव से। यही बात अभी हो रही थी। और जो शरीर की आवश्यकता है, जो कि सामयिक है, टेम्पररी है,
नापी जा सकती है, मेजर की जा सकती है, उसकी जो पूर्ति होगी वो फिजियोकेमिकल चीजों के साथ, भौतिक रासायनिक वस्तुओं के साथ। तो जैसे कि मैं कहा खाना, पानी, इस तरह की। तो अब इन दोनों में जब हमें क्लैरिटी नहीं होती तो हम दोनों को मिक्सअप कर देते हैं। तो अगर मुझे ऐसा लगे कि ना, मैं रोज सुबह उठ के अपना मिरर में देखती हूँ कि मैं हूँ, ये मैं हूँ, शरीर को देख के अगर मैंने ये मान लिया कि यही मैं हूँ, तो मुझे लगेगा कि ये भौतिक रासायनिक वस्तुओं की जरूरत मेरी है। और कहीं ना कहीं मुझे ये तो है कि सुख चाहिए ही, लेकिन जब क्लैरिटी नहीं है तो फिर ऐसे लगने लगता है कि ये चीजें मैं ले लूंगी तो मैं सुखी हो जाऊंगी। तो ये भी हम लोगों ने बहुत बार देखा ही होगा कि हमें लगता है कि ये चीज पाली तो मैं सुखी हो जाऊंगा, जैसे हो जाऊंगी, या ये अचीव कर लिया जिसको हम सक्सेस कहते हैं तो फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं, उस पड़ाव पे पहुंचते हैं जहाँ का हम सोच के रखे थे, वहां पहुंच कर हमें कितनी देर के लिए वो सुख का अनुभव होता है, क्या वो मतलब कंटिन्यू रहता है? क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है, वो तो कंटिन्यू है। एक भी क्षण के लिए हम दुखी होना नहीं चाहते, लेकिन क्या वो बन पाता है उतनी देर के लिए, वो देखने की जरूरत है। एक जो तरीका है, जो सही समझ, सही भाव का, उससे ये कंटिन्यूटी बन पाएगी, ऐसा थोड़ा थोड़ा दिखता है, पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अपने अंदर जब हम भाव ठीक रखते हैं तो उस क्षण जब हमें दिखने लगता है कि हाँ, ये इस समय मैं सुखी हूँ, तो उसमें थोड़ा थोड़ा ये समझ में आने लगता है कि ये तो कर किया जा सकता है। अभी जब आगे एक्सरसाइजेस करेंगे तो इसको और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको देखने की कोशिश करेंगे कि ये सही भाव जो है, उससे जब हम सही भाव रखते हैं तो हम अपने अंदर क्या फील करते हैं, सुख का अनुभव होता है हमें कि नहीं होता, कितनी देर के लिए होता है, और जब भाव बदल जाता है तब कैसा लगता है, वो सब ट्राई करेंगे देखने का। और जो हम सही समझ की बात करते हैं, क्योंकि भाव तो बदलते रहेगा, लेकिन अगर हमारे को पूरा जो अस्तित्व है, जैसा है वैसा है, दिख जाए, हर डिटेल ना पूरी ये सृष्टि का दिख जाए, और हमें हर इकाई के बारे में समझ हो जाए, मतलब पूरी सृष्टि का जैसा है वो दिख जाना, सही समझ हो जाना, उसके बेसिस पे हम अपना भाव बनाते हैं, तो फिर उसमें कंटिन्यूटी हो सकती है। तो उसके लिए एफर्ट है, और जैसे जैसे हमारे को ये हम एफर्ट करते हैं तो वैसे वैसे दिखता है। बहुत लोगों ने, आप सबने शेयर भी किया कि जैसे जैसे हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो वैसे वैसे हम अपने अंदर की जो बेचैनी है उसको कम होते हुए देख पाते हैं। तो ये तो हो गया अबाउट हमारी आवश्यकताएं, शरीर की और मेरी। सिमिलरली जब आप क्रियाएं को देखने जाएं तो हमारे अंदर कुछ कल्पनाशीलता चल रही होती है, कुछ इच्छा है, कुछ विचार है, कुछ आशा है, हर इच्छा के साथ कोई भाव जुड़ा हुआ है। इसको हम धीरे धीरे देखेंगे और इसको ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये पूरे समय चल रहा है या कभी कभी चलता है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये दिखेगा कि ये चलता ही रहता है, कभी कभी मेरा ध्यान बाहर होता है तो अंदर ये दिखता नहीं, लेकिन ध्यान देने जाते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे इस प्रक्रिया को हम और पुष्ट करते जाते हैं, जैसे जैसे उस पर हम एफर्ट करते रहते हैं, तो धीरे धीरे ये भी दिखता है कि अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं वो और अच्छे से हम देख पाते हैं। तो इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे आगे जाके।
जो भी हमने UHV-2 में पढ़ा है उसको हम प्रैक्टिकली देखने का प्रयास करेंगे आगे सेशंस में। सो ये जो क्रियाएं मेरे अंदर चल रही हैं, ये कंटिन्यू चल रही हैं, इसको हमें अपने अंदर ध्यान देके देखने का प्रयास करना है। और जब हम शरीर की बात करते हैं तो शरीर में जो एक्टिविटीज हैं, जो क्रियाएं हैं, जैसे कि खाना पीना, चलना, बोलना, ये सब चीजें तो हम देख ही सकते हैं कि कभी कभी ये एक्टिविटीज होती हैं, पूरा समय नहीं होती, ये सामयिक है। अच्छा, अब हम इसमें अगर और डिटेल में देखें शरीर में जो और एक्टिविटीज हैं, जैसे कि दिल धड़कता है, ब्लड में सर्कुलेशन फ्लो होता है, सांस चलती है, ये सामयिक है या ये निरंतर बनी हुई है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ इसकी बात कर लेते हैं। इसमें कुछ डाउट है कि ये सामयिक है या कंटिन्यू है, तो अगर कुछ आप शेयर करना चाहें तो, या डाउट है इसके बारे में तो वो डिस्कस कर लेते हैं अभी। जी, कोई हैंड्स रेज नहीं है, इसका मतलब मैं लेके चलूं, मान के चलूं कि सब लोग को ये क्लियर है कि ये टेम्पररी है एक्टिविटीज, क्योंकि जब दिल धड़कता है जैसे, है ना? ठीक है, ये कुछ हैंड्स रेज है, इनको अभी ले लेते हैं। जी नमस्कार जी, नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है जी ठीक से? क्लियर है जी? हमारा जो चल रहा है ये जो पूरे का पूरा सिलसिला, आज हम 12वें दिन में प्रवेश कर गए हैं, तो उसमें कल मैं बात ये करना चाहता था कि जीवन में निरंतर स्थायी सुख के लिए आपकी सही आवाज सुख। थोड़ी ब्रेक हो रही। जी जी आ रही है जी ठीक आवाज हाँ, अभी आ रही है, बताइए। जी। तो कल मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये था कि जीवन में निरंतर स्थायी सुख के लिए सही समझ, सही संबंध और फिर सुविधा के सही भाव से सफलता मिल सकती है। इनका जो एक्सप्लोरेशन है, इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जैसे जैसे ही हम प्रैक्टिस करते हैं, देखिए जैसे जैसे ये सत्र चलता है, जैसे मैं सुबह बिस्तर में ज्वाइन करता हूँ तो बड़ी एक्साइटमेंट रहती है इन सारी बातों को लेके, अपनी समझ को लेके, अपने अंदर चल रहे जो भाव हैं उनको लेके। ये भी लगता है कि सारी बातें जो हैं वो ठीक से समझ आ रही हैं। अपना मन जो है उसको भी बड़ा पक्का करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जिससे हमारे लिए किसी तरह की दुविधा बने या हमारी जो मनोस्थितियां हैं उसके अंदर कोई उथल पुथल मचे। ये सारा प्रभाव बहुत रहता है उस समय, और जो जो भी बात यहाँ की जाती है या जो भी भाई बहन अपना अनुभव रखते हैं वो भी बड़ा स्टीक होता है, जीवन की परिस्थितियों के बहुत करीब भी होता है सारी चीजें। लेकिन मेरे को लगता है कि इसको हम कितना भी क्रमबद्ध करने की कोशिश करते हैं, कितना भी मन को पक्का करने की कोशिश करते हैं, कितना मन को काबू करने की कोशिश करते हैं, इन सारी चीजों को लाइफ जो है उसके हर एक पहलू में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 24 घंटे में कोई ना कोई समय ऐसा आ ही जाता है जब ये परिस्थितियां जो है वो हाथ से निकलती हुई नजर आती हैं या निकल भी जाती हैं। तो मेरा यहाँ पे ये है कि क्या ये हमारे समझ जो है उसमें कहीं कमी रह जाती है, या हम जो है जिसको हम ये मान लेते हैं कि हम जब सुन रहे हैं तब तो सही से सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन जब लाइफ लाइफ की वास्तविकता में हम किसी ऐसी सिचुएशन को फेस करते हैं तो वो सारा कुछ डगमगा जाता है, या हमारा मन कमजोर है, या ये जो ह्यूमन नेचर है कि ऐसे रिएक्शंस जो है उनको रोका नहीं जाता, कई बार वो अपने आप ही उनकी तीव्रता इतनी होती है, उनकी इंटेंसिटी इतनी होती है कि वो सारी चीजों को तोड़ के भी बेकाबू हो जाते हैं। तो अगर ऐसा ही ये चलता रहता है तो फिर वो स्थिति कब बन पाती है जब हम इन चीजों से दूर हो जाएं और हम वो जो
परमानेंट सुख की बात कर रहे हैं, निरंतर सुख की बात कर रहे हैं, क्या वो कभी सिचुएशन आएगी कि हम उसको अचीव कर पाए? देखिए, मैं दो वर्कशॉप्स पहले भी लगा चुका हूँ। एक मैंने ऑनलाइन लगाई थी और उसके बाद कॉलेज के अंदर ही फेस टू फेस थी जितेंद्र नरूला जी के साथ, वो भी लगाई। उसके अंदर भी अच्छा इंटरेक्शन का जो सिलसिला है वो चलता रहा। तो फिर मेरा मन बना तो मैंने अब ये 4 महीने वाली भी ज्वाइन कर ली, क्योंकि ये तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें इसका फायदा हो रहा है, हम लोग इन चीजों को समझ रहे हैं। बस ये एक कहानी जो है बार बार प्रिक करती है, तंग करती है कि भाई ये फिसलन कहीं पे भी अगर आती है तो वो क्यों आती है और इसको किस तरह से रोका जाए, ये मेरा एक मन की दुविधा है। जी पहली बात तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आप इतना मतलब सिंसियरली उसको अप्रोच कर रहे हैं और देखने का प्रयास कर रहे हैं। शुक्रिया। जी, एक बात मैं कहूंगी कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कंडीशन आपने नोट करी, ये सिर्फ आपकी नहीं, मजोरिटी जो हम लोग जब अंदर ध्यान देने जाते हैं तो इसमें ये कठिनाई सी लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे हम बाहर ही देखते आए हैं। अभी हम देखें, अभी हम इस यात्रा में जो देख पाते हैं बचपन से लेके अब तक, हमारा फोकस बाहर ही रहा है ना? अंदर तो हम ध्यान देने जाते नहीं, तो अब हमने ध्यान देना अंदर शुरू किया है तो थोड़ा समय तो लगेगा। जैसे अब हम एबीसी सीखने जाते हैं, शुरुआत में कैसा होता है कि हम वो पढ़ने भी जाते हैं या लिखने जाते हैं तो हमारा हाथ जब कोशिश करते हैं तो उस डायरेक्शन में ठीक से जाता भी नहीं। तो बचपन में ना हमारे कोई बड़े रहते हैं, हमारे माता पिता रहते हैं, कोई भी बड़े भाई बहन होते हैं, तो वो हमारा हाथ पकड़ के लिखवाने की कोशिश करते हैं। तब धीरे धीरे हमारा वो ए बी सी या क ख ग बनने लगता है। अब वहां से शुरू करके अभी की स्थिति देखें, हम PhD कर लिए, हम कितना चीजें लिख लिए, डॉक्यूमेंट्स सब बना लिए, बहुत काम कर लिए, कितना समय लग गया? बहुत समय लग गया, नहीं? लेकिन अगर हम वहां क ख ग लिखने समय वो सोचें कि हमको वहां पहुंचना है तो लगेगा कब होगा ये, अब इतने साल निकल गए तो हो ही गया, लेकिन उसमें एफर्ट लगा हर साल, हर मोमेंट तो शायद नहीं, बट उसको कंटिन्यू हम परस्यू करते रहे तब जाके वो काम हुआ। तो अभी भी यही किस्सा है कि हम बाहर देख रहे हैं लेकिन जैसे जैसे हमारा ध्यान अंदर जा रहा है तो हम अंदर भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्षण क्षण का ध्यान हमें है ना रखना है, तो वो चीज जो है वो बार बार फिर से हमारा ध्यान बाहर जाता है, बार बार जो बाहर चीजें हो रही हैं उससे हम प्रभावित हो जाते हैं। तो कब होगा? अब ये तो सबके अपने अपना, कितना हम उसमें एफर्ट डालते हैं, क्या हमारे पुराने संस्कार रहे हैं, कितना हमने पहले पुरानी यात्राओं में उस पर काम किया है, वो सब पर निर्भर रहेगा। हमारा वातावरण कैसा है ये सब में मैटर करेगा। तो अभी हमारा प्रयास ये है कि जैसे ये 4 महीनों के थ्रू, अब 4 महीने कर लिए तो सब हो जाएगा ऐसा भी नहीं है, 4 महीनों में कुछ बात आपके सामने आएगी, उस बात पर हम सब गौर करेंगे, उस पर अंदर अपने अंदर उसको जांचेंगे ना, उसको देखने का प्रयास करेंगे, जो बात कही जा रही है उसको ऐसे के ऐसे ही माने नहीं, उसको अपने अंदर देखने का प्रयास करें, उसको जांचने का प्रयास करें और उस प्रक्रिया को बनाए रखें। इसीलिए हम रोज रोज एक ये जो होम असाइनमेंट या असाइनमेंट के तौर पर जो रोज रखते हैं उसका यही आशय है कि हम हमारा ध्यान उस रियलिटी पर चला जाए जिसकी बात हो रही है। तो अगर हमने कहा विचार, भाव, अब सही भाव से हम सुखी होते हैं, ये हमने कह दिया तो इसको माने नहीं, अपने अंदर देखें क्या मुझे ये दिखता है। शुरू शुरू में ऐसा होगा भाव ही नहीं दिखेगा, कई बार तो शुरुआत में विचार भी नहीं दिखते हैं, कोई बात नहीं, उसमें वो
डिसीजन लेके रहें कि हाँ मुझे ध्यान देना है, बस उतना है। और कभी कभी ऐसा भी दिखेगा कि मेरे अंदर बहुत गड़बड़ चल रहा है, तो हम जल्दी से बाहर उसमें से आने की कोशिश करते हैं और फिर हमारा ध्यान बाहर निकालते हैं, या हमारे अंदर जो चल रहे हैं उसको जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ना करें, उसको देखें कि हाँ मेरे अंदर उथल पुथल बहुत चल रहा है, तो मैं क्या महसूस कर रहा हूँ अपने अंदर, मुझे कैसा लग रहा है, मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ। तो ये सब धीरे धीरे जैसे जैसे वो हम प्रयास करेंगे ये सब दिखेगा। अभी आगे एक्सरसाइज 1 और 2 करेंगे जिसमें कि हम अपने को देखने का प्रयास कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1 में सेल्फ, लुकिंग एट द सेल्फ, और एक्सरसाइज 2 में हम शरीर में क्या चल रहा है उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। और दोनों का बहुत क्लोज कनेक्शन है, तो उसको हम और डिटेल में जब करेंगे तो थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी और बढ़ेगी। और जैसे जैसे इस बात को हम आगे आगे ना बात करते रहेंगे उसमें थोड़ा हेल्प होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, अपने अंदर जो जांच करनी है वो चलते रहनी चाहिए। तो ये जब प्रोसेस करेंगे तो धीरे धीरे आगे गाड़ी बढ़ेगी, दिखेगा अपने अंदर भी कि हम जितना बेचैन थे पहले वो धीरे धीरे उसमें ना कमी हो रही है, और हम अपने आप में आराम में हैं, अपने आप में बैठ पा रहे हैं, और ना अंदर क्या चल रहा है उसको भी देख पा रहे हैं। शुरू शुरू में ऐसा रहेगा कि हमें एक जगह बैठ के इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा, और धीरे धीरे जैसे हमारे हैबिट हो जाएगी, हम इस पूरी प्रक्रिया को कर पाएंगे धीरे धीरे, तो फिर हम चलते फिरते बाहर भी सब समय पे एक मतलब थोड़ा ध्यान अंदर भी रहेगा, बाहर भी ध्यान देंगे अंदर भी देंगे। ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, बहुत लोगों ने इसको किया भी है, बट कितना समय किसको कितना लगेगा वो थोड़ा सा इतना डेफिनेट मतलब हर किसी के लिए अलग अलग रहेगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना हमारा कितना एफर्ट है, कितना हम पहले से क्या प्रयास किया हुआ है, और कितना हम अभी एफर्ट कर पा रहे हैं, और हमारा वातावरण कैसे है। तो हम ये वातावरण सुबह के 2 घंटे, 1 घंटा इंग्लिश में 1 घंटा हिंदी में ये करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका ध्यान उस पर दिन भर बना रहे, तो वो धीरे धीरे होगा। ठीक है ये? जी, बहुत बहुत शुक्रिया सवाल जो है उसको लेने के लिए और आपकी जो उसके प्रति प्रतिक्रिया है देने के लिए। और मेरे को लगता है ये जो हम आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, भाई बहनों को सुनते हैं, तो उसी से हमारा इंकरेजमेंट बनता है, उसी से बना रहता है और हर दिन एक नए उत्साह के साथ आपके साथ जुड़ते हैं, सुनते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यस, नमस्ते सभी को। नमस्ते दीदी। नमस्ते। ये सब मैं पिछले सत्र से तो जुड़ा हूँ, 9 सत्र से, और ये मेरा दूसरा है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे संबंधों के अंदर, मेरे निकट के लोगों के साथ जो मैं व्यवहार करने जा रहा हूँ ना, तो वहाँ पर मुझे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मतलब मेरी वाइफ के साथ, मेरे बच्चों के साथ। लेकिन वही अच्छा व्यवहार मेरी अंडरस्टैंडिंग औरों के साथ करता हूँ तो वहाँ ठीक से मैं ज्यादातर कर पाता हूँ, लेकिन नजदीक के लोगों के साथ मैं ट्रिगर जल्दी हो जाता हूँ और वहां पर मुझे बयान नहीं देता है और मैं मेरा आपा खो देता हूँ। तो ऐसा मुझे, मैंने निरीक्षण किया है। अस्तु। जी ठीक बात है। हम देखने जाएं तो हमारे जो निकटतम संबंधी हैं उनके साथ हमारी जो एक आशा बनी रहती है ना, एक तो हम लंबे समय से उनके साथ में रह रहे हैं, तो हमारी भी उनसे कुछ आशाएं होती हैं, उनकी भी हमारे से कुछ आशाएं होती हैं, और संबंध में हमारी तरफ से भी गलतियां होती हैं, दूसरी तरफ से भी गलतियां होती हैं, तो हम उनको याद करके भी कभी कभी दुखी हो जाते हैं, भले ही इस क्षण गलती ना हो रही हो बट पुरानी जो गलती है उसको याद कर करके भी दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे करके तो चलता है, लेकिन इसमें से निकलना कैसे होगा, वही हम अपने अंदर ध्यान देंगे और अपना प्रयास जारी रखेंगे तो धीरे धीरे हमारा भाव सही रहेगा, हमारा जो व्यवहार है वो सही रहेगा, और जैसे जैसे हमारा व्यवहार सही रहेगा तो जो सामने वाला है, जो फैमिली मेंबर है, उसको भी एक आश्वस्ति होगी हमारे ऊपर, फिर वो धीरे धीरे वो गाड़ी उधर से भी चलने लगेगी, तब फिर ना सही में
हमें वो चेंज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो दिखने लगेगा, है ना? जी दीदी प्रणाम, सभी को नमस्ते। नमस्ते। जी दीदी, अभी जो चर्चा हो रही है उसी मैं कहना चाहती हूँ कि पहले तो ऐसे ही होता था, हम लोग कुछ सुन लेते थे उसको मान लेते थे। जैसे हम लोग सुनते आ रहे थे जो मनुष्य की इच्छा है तो अनंत है, तो लेकिन जब वर्कशॉप किया अपने पर ध्यान दिया कई सारा, और वो जो इच्छाओं की सूची जो बनाते हैं, तो फिर धीरे धीरे फिर समृद्धि वाले पार्ट पर जब काम किया हर एक चीज का, कि मेरे घर में कितना अनाज है, कितना सोफा है, कितना कार है, उसका यूज कैसे करते हैं, कपड़े बर्तन हर एक चीज का, तो धीरे धीरे फिर वो जो एक जिगजैग जो अपने ब्रेन में चल रहा था वो खत्म हो गया। तो जो हम लोगों को आप लोग वर्कशॉप में ध्यान दिलाते हैं, जो इच्छाओं का निश्चित हो जाना, जैसे अब जाकर के इस चीज पर एकदम स्थिरता बनी है कि सही को समझ करके सही को जी अपने आचरण में लाना, ये जो है सो एक जिसको हम लोग हॉबी या इच्छा या वो कहते हैं, या उस पर ये समझ बनी है, तो इसको दीदी अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए हैं ये जो हम लोग पहले से सुनते आ रहे इच्छाएं अनंत हैं। जी दीदी, यही जी यही कहना चाह रहे थे। जी बहुत अच्छा, जी दीदी, धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। जी काफी समय से जुड़े हुए हैं और आप ना बहुत एफर्ट भी कर रहे हैं अपने ऊपर, जी बढ़िया। जी दीदी, 2009 में ही जब MBA कर रहे थे और UPTU में लॉन्च हुआ था ये सब्जेक्ट, तभी पढ़ाई की थी, और उसके बाद जब 11 में टीचिंग में आई तो पहला वर्कशॉप किया था, तो बहुत लंबे समय से जुड़े हुए थे। उस हिसाब से मेरे में बहुत परिमार्जन होना चाहिए, लेकिन बीच बीच में अध्ययन जो रुक गया ना परिवार का, वो मैं अकेली हूँ तो थोड़ा वैसा हो गया, लेकिन ठीक है ना दीदी, जब जागो तभी सवेरा, करना तो यही काम है। वही जी वही, जितना जितना हो सके हम अपने अंदर ध्यान बनाए रखें। क्या जी है ना जी कि काम भी करते हुए और सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए भी हम अपने अंदर तो देख ही सकते हैं, जी दीदी, तो पहले वो ना लगता था कि नहीं अलग से, लेकिन जब धीरे धीरे मतलब ये मॉर्निंग सेशन जब कोरोना के बाद आया ना 2020 में, तो जब मॉर्निंग सेशन करने लगे तब जो वो अपना अवेयरनेस और बढ़ा, तो फिर घर का काम भी करते हुए बच्चों को भी संभालते हुए इसको जो है सो ध्यान जाता है। जैसे बच्चों के साथ भी दीदी ये बहुत अच्छा चीज है, ये मतलब एक्सपीरियंस मतलब ये चीज है कि अब हम बच्चों के साथ है, ये भी अध्ययन का बहुत ये है कि कैसे में हम सही भाव सही समझ के साथ जो है सो मतलब बच्चों के साथ रह सकते हैं, तो अपने में जांच परख का मौका भी, ये दोनों बच्चे मेरे ट्विंस हैं तो वो चलता रहता है कि कितना मेरा भाव बच्चों के लिए भी अस्थिर रहता है। तो अब दीदी ऐसा कर पा रहे हैं कि काम करते हुए भी जो है सो मतलब उसको ध्यान देना, पहले लगता था कि अलग से सब छोड़ के करना पड़ेगा, लेकिन अब बहुत ऐसा नहीं हो बढ़िया, सकता है। बहुत जी अच्छा। दीदी, जी जी दीदी, धन्यवाद दीदी, सभी का धन्यवाद। नमस्ते दीदी, नमस्ते दीदी। नमस्ते। अभी हम जो बात कर रहे थे भोजन की, कि भोजन हमें मतलब टेम्परेरी चाहिए, तो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऑक्सीजन भोजन में नहीं आएगा क्या? उसको तो हमें हरदम ही चाहिए ना। इसमें भी देखें तो जैसे अब हम सांस लेते हैं अंदर, है ना, सांस लेते हैं तो हम ये सब अंदर ले रहे हैं, लेकिन हम सांस लेते ही रहते हैं अंदर या कहीं रोकते हैं और फिर बाहर सांस निकालते हैं, ये देखेंगे तो जी देखिएगा ना, ये भी सामयिक है। सांस हाँ अंदर लेना, फिर एक जी जहाँ हाँ होल्ड होता है और फिर बाहर सांस निकालना, है ना, जी समझ में आया मैं क्या कह रही? हाँ, मतलब एक बार छोड़ते हैं, एक बार लेते हैं, तो निरंतर तो नहीं है, मतलब इसमें भी निरंतर थोड़ा। तो नहीं। इसी तरह से आप हार्ट बीट को भी देखें, है ना, तो दिल धड़कता है तो उसमें भी कभी भी आप ध्यान से सुनेंगे या ऐसे सुनाई पड़े ना पड़े, लेकिन अगर आप स्टेथोस्कोप चेस्ट पर लगाकर सुनेंगे तो दो आवाजें आती हैं, लब डुब लब डुब, तो एक बार में वो ना बाहर को पंप होता है ब्लड हार्ट में से, और फिर एक स्थिति आती है जब वो ना जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ये बाहर पंप होता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट ही करते जाता है, नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट होके एक पोजीशन पे रुकता है,
फिर रिलैक्स होने लगता है, अच्छा फिर उसमें ब्लड भरने लगता है। तो ये भी देखेंगे तो ये प्रक्रिया कंटिन्यू एकदम चल रही है ऐसा नहीं है, सामयिक है, रुकती है फिर चेंज होती है ऐसा। ठीक है, ये हाँ जी ठीक है दीदी। सर्कुलेशन को भी, किसी को भी देखें शरीर में कोई भी एक्टिविटी को, तो ये थोड़ा ध्यान देंगे तो ये दिखेगा। ठीक है, और कोई प्रश्न था आपका? ठीक, नहीं नहीं दीदी ये था जी। बढ़िया दीदी धन्यवाद। ठीक है, बहुत से हैंड्स रेज हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर वापस आएंगे रेज हैंड्स पे। कल का जो असाइनमेंट था वो लगा देंगे अपराजिता जी? आप पढ़ देंगे असाइनमेंट? जी दीदी यही असाइनमेंट था कल का। जी नजर आ पढ़, रहा है दीदी स्क्रीन पर, मैं हाँ पढ़ हाँ लूँ? पढ़ जी दीजिए। जी तो कल का असाइनमेंट इस तरह से था। पहला पहला पॉइंट ये था कि समाज में मानव लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए हमें स्वयं से शुरुआत करने की आवश्यकता है। आज दिन भर में ध्यान दें कि आप कितनी बार केवल बाहर की चीजें, लोगों और परिस्थितियों आदि में बदलाव के उम्मीद कर रहे हैं, और कितनी बार आप स्वयं में और अपनी भागीदारी पर ध्यान दे रहे हैं। दूसरा पॉइंट था, एक मानव के रूप में अपनी आवश्यकताओं और गतिविधियों पर ध्यान दें। स्वयं की आवश्यकता सुख के लिए और शरीर की आवश्यकता भौतिक सुविधा के लिए। ध्यान दें कि सुख के लिए स्वयं की आवश्यकता का संबंध स्वयं में सुनिश्चित समझ और भाव से है, जबकि शरीर की आवश्यकता का संबंध भौतिक सुविधा से है। तीसरा पॉइंट था, स्वयं की क्रियाओं पर भी ध्यान दें। उदाहरण के लिए कल्पनाशीलता, इच्छा विचार आशा, जो निरंतर है, जबकि शरीर की क्रियाएं सामयिक है। आज दिन भर यह जांचें कि क्या एक मानव के रूप में यह आपके लिए ठीक लगता है। इससे आप कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अपने निरीक्षण को अपनी पुस्तिका में नोट करें। जी दीदी जी धन्यवाद। तो वही बातें जो अभी कर रहे थे, इसी को और देखने की बात थी कल के असाइनमेंट में। तो हम लोग शेयर कर सकते हैं जो भी हमारी फाइंडिंग्स रही, जो भी हमें दिखा उसको हम लोग सबके सामने रख सकते हैं, या इस पे कुछ प्रश्न हो तो वो भी कर सकते हैं। जी नमस्ते दीदी। नमस्ते हाँ सभी को नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। मेरा प्रश्न क्रियाओं को लेकर था। मैं थोड़ा सा एक चीज में क्लैरिटी चाह रहा था जी कि जो शरीर जो एक जड़ इकाई है, उस जड़ इकाई में मस्तिष्क भी एक भाग है। तो जो हमारे विचार हैं, वो विचार हमारे मस्तिष्क में चल रहे होते हैं, और आप विचार तो निरंतर है। तो जी, जो चैतन्य इकाई है, जो विचार जो चल रहे हैं, वो मस्तिष्क में ही तो चल रहे हैं। उसको थोड़ा और देखेंगे, है ना? जो बात जी कही जा रही है, जब हम क्रियाएं की बात कर रहे हैं, इच्छा विचार आशा, यही बात हो रही है कि ये जो क्रियाएं हैं ये मुझ में चल रही हैं, सेल्फ में चल रही हैं, और जो ब्रेन है वो बॉडी का एक पार्ट है ना? जी बट इसको थोड़ा समय लग सकता है, इसको टोटली माने नहीं, इसको ओपन रखें और अपने अंदर उसको जांचने की कोशिश करें। विचार तो चलते ही रहते हैं, वो तो दिखता है जैसे जैसे हम ध्यान देते हैं, जैसा आपने कहा, है ना? विचार तो निरंतर चलते हैं। बिल्कुल, तो मेरा प्रश्न ये था कि मस्तिष्क में विचार चल रहे हैं कि नहीं। नहीं तो वही बात हो रही है ना कि विचार मुझ में चल रहे हैं, शरीर में नहीं चल रहे, ब्रेन में नहीं चल रहे, ये बात हो रही है। बट
इसको अपने अंदर भी जांच के देखने की कोशिश करें, है ना। जैसे कि अभी ना हम लोग इतना रिलेट नहीं कर पाते क्योंकि आपस में सब ये सेल्फ और बॉडी जुड़े जुड़े से दिखते हैं, है ना। लेकिन अब जैसे साइंस में भी अब थोड़ा थोड़ा बात हो रही है इस बारे में, क्योंकि अभी तक तो यही था कि मैं बराबर शरीर, तो उसी बेसिस पे हमारा पूरा एडुकेशन और वो सब उसी बेसिस पे चला। जैसे मेडिकल कॉलेज में भी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ये सब जो पढ़ते हैं और शरीर के पूरे सिस्टम्स की पढ़ाई होती है, उसमें कॉन्शियसनेस की, मैं की कहीं बात नहीं है। तो हमारी भी ये बहुत गहरी मान्यता बन जाती है कि सब कुछ शरीर से ही रिलेटेड है, सब कुछ ब्रेन से ही रिलेटेड है। जैसे कि ये बात होती है कि ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, सब कुछ ब्रेन ही करता है। लेकिन फिर हम ये भी बात करते हैं कि अपने ब्रेन को ट्रेन करना चाहिए, तो कौन कर रहा है ये ट्रेन, उसकी बात नहीं होती। मैं यानी कौन, है ना। तो मतलब पढ़ाई वढ़ाई में हम यही बात करते हैं कि ब्रेन ही सब कुछ है, ब्रेन ही सारी बॉडी को एक तरह से सब कर रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखने जाएं, जैसे कि अभी इंग्लिश सेशन में भी बात हो रही थी कि जो जैसे बाहर से कुछ सूचना मिली, है ना, कुछ बाहर से कुछ ध्वनि आई तो वो कानों पे पड़ी, फिर वहां से जो नर्व्स हैं उनके थ्रू वो कहीं जाएंगी शरीर में, वहां से ब्रेन तक पहुंची। लेकिन फिर ब्रेन ही सब कुछ कर रहा है या ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने पढ़ी और मैंने तय किया, है ना। क्योंकि ये भी दिखेगा कि हमारी मान्यताएं बदलती रहती हैं, तो जब हमारी मान्यता बदली फिर वही एक्टिविटी से मैं सुखी भी हो जाती हूँ। जैसे कि अभी मेरी मान्यता रहे अगर कि दूसरा मेरे दुख का कारण है, तो उस बेसिस पे दूसरे ने कुछ जोर से कहा तो मुझे लगा उसने चिल्ला दिया और मैं दुखी हो गया कि वो मुझे दुखी कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे मेरी मान्यता बदलती है, जैसे जैसे मुझे ध्यान आता है कि ये मेरा भाव मेरे मतलब मैं इसको अपने हिसाब से चला सकती हूँ, तो जब मुझे वो दिखता है और मैं वो भाव बदलती हूँ, तो वही कंडीशन बाहर, वही ब्रेन, वही बॉडी, लेकिन सब बदल जाता है क्योंकि मैं अब उसी बात से दुखी नहीं होती। अब बाहर से जो सूचना आ रही थी वो तो वैसी की वैसी है, बॉडी में जो हो रहा था वो तो वैसे के वैसे ही है, लेकिन क्या बदलाव हुआ मेरे अंदर, जो मैंने ये अपनी मान्यता मेरी जो बदली जिसकी वजह से मैंने अपना भाव सही रखा, तो पूरा सब बदल गया। तो वो धीरे धीरे उस पर ध्यान जाएगा तो ये कुछ कुछ बातें दिखेंगी, ठीक है ये। ठीक है, एक चीज और पता था, ये जो चैतन्य इकाई है, जी बताइए, आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ आ रही है? जी आ रही है। मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे ये नहीं जो रुक गई चैतन्य इकाई है जिसको हम सेल्फ कहते हैं, वो चैतन्य इकाई शरीर में जी, ही स्थित है या उसका स्थान शरीर से बाहर भी है? वही तो। अभी तो हमें ऐसा लगता है कि शरीर से ही लिंक्ड है सब कुछ, है ना। लेकिन मैं कुछ भी कहने जाऊंगी तो फिर वो और एक मान्यता हो जाएगी कि ये ऐसा ही है। इसको कुछ को कुछ भी माने ना कि ना कैसा आकार है या क्या, अभी हम सब कुछ आंखों के थ्रू देखने का प्रयास करते हैं, तो जो भी कुछ बाहर दिख रहा है उसका कुछ इमेज हमारी आंख पर बन रहा है, लेकिन मैं डिसाइड कर रही हूँ ना, या आप डिसाइड करें कि वो क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है ना।
तो अभी हमारे को इतनी प्रैक्टिस है ऐसा बाहर से ही, बाहर ही सब देखने की, आंखों के थ्रू ही देखना या कानों के थ्रू सुनना, है ना, शरीर के थ्रू ही देखना, तो वो धीरे धीरे उस प्रक्रिया से हट कर हमें अपने अंदर देखने की कोशिश करनी है। अभी क्या है, अभी हम सेल्फ का फॉर्म देखने जा रहे हैं कि वो कैसा दिखता है, कहाँ है, क्या है, तो धीरे धीरे वो आगे की स्थिति होगी जब वो सब दिखेगा, लेकिन शुरुआत में हम क्रियाओं से आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने अंदर क्रियाओं को देखें, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा ध्यान जाएगा इन बातों पर, तो हमारी जो ऊपर की क्रियाएं हैं, है ना, जो कंटेम्प्लेशन, ये अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन, वो जब हायर एक्टिविटीज जो हैं सेल्फ की, उन पर धीरे धीरे ध्यान जाएगा, वो दिखने लगेगा, तो फिर हमारी भी एक लेवल की कॉम्पिटेंस बन जाएगी जो हम ये सारे अपने क्वेश्चंस को हम अपने आप आंसर कर पाएंगे। तो उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वही एक, मतलब एक तरीका हो सकता है जिससे कि हम अपने अंदर देखें, और हमारे अंदर ये क्षमता सब में है कि हम इस चीज को देख पाएं। थोड़ा सा एफर्ट करने की जरूरत है और थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन हम सब इसी प्रयास में हैं कि हम अपने अंदर की जो हायर क्रियाएं हैं, उनमें जो हाईएस्ट क्रियाएं हैं रियलाइजेशन की, अनुभव की, वहां तक देखें, और हर हर इकाई को, हर पूरी सृष्टि को जैसा है वैसा देख पाए, वही प्रयास है। ठीक है ना? ठीक है दीदी, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, मुझे लगता है आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वो भी खोल लें, मानना जानना, हाँ ये वाली सेल्फ एंड बॉडी वाली स्लाइड खोल दीजिए फिर से। तो इसमें जब हम, नहीं पीछे पीछे जाइए, हाँ यही, अभी इसमें अगर हम रिस्पॉन्स को देखें, तो सेल्फ में और बॉडी में दो अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं। इसकी बात भी पहले हुई है, लेकिन इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। तो शरीर में पहचानना, निर्वाह करना, ये दो रिस्पॉन्स इसके तहत होता है। मतलब शरीर का सब दूसरी इकाइयों के साथ कुछ परस्परता में कुछ पहचानना होता है। पहचानना कह रहे हैं उसको, एक तरह से एक डेफिनेट रिस्पॉन्स होता है। पहचानना, संबंध को देखना और उसका निर्वाह करना, ये चीज शरीर में बहुत डेफिनेट है। जैसे कि आपने कुछ भी शरीर के अंदर डाला, आपने अगर मान लिया कि ये चीज शरीर के लिए अच्छी है, तो आपका मानना ये हो सकता है और आप उस बेसिस पे कुछ भी डालेंगे शरीर में, लेकिन शरीर का जो पहचानना, निर्वाह करना है, वो एक तरह से डेफिनेट है। तो अगर कुछ चीज जो कि, जैसे कि कुछ जहरीला प्लांट ले लो या कुछ भी ऐसा हमने डाल दिया, तो उसका जो इफेक्ट होगा शरीर पर, वो निश्चित होगा, डेफिनेट होगा। तो शरीर में ये जो रिकग्नाइजिंग फुलफिलिंग है, पहचानना, निर्वाह करना है, ये एकदम डेफिनेट है, एक तरह से ही होता है। लेकिन अगर हम अपने अंदर देखने जाएं, कॉन्शियसनेस में, चैतन्य में, तो ये दिखेगा कि हमारा जो पहचानना, निर्वाह करना है, ये हमारे मानने के ऊपर या जानने के ऊपर निर्भर है। जैसे कि अभी जो बात हो रही थी कि अगर मैंने ये मान लिया कि बाहर वाला का जो बोलने का ढंग है, उसकी वजह से मुझे दुख हो रहा है ना, तो फिर मेरा भी पहचानना, निर्वाह करना उसी बेसिस पे हो जाएगा। जैसे कि दूसरे ने चिल्लाया, तो मैंने मान लिया कि ये मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, तो मैं भी वापस उसके ऊपर चिल्ला देती हूँ। तो ये मेरा जो मानना था, इसके बेसिस पे मैंने संबंध को पहचाना और उसका निर्वाह किया। कैसा पहचाना, सही गलत, वो अभी
देखेंगे, लेकिन मैंने एक तरह से संबंध को देखा और उसके बेसिस पे मैंने उसका निर्वाह किया। लेकिन जब मैं जानने तक आई, जब मुझे मालूम पड़ा कि दूसरा जो है वो क्यों चिल्ला रहा था, तो मुझे मालूम हुआ कि दूसरा बहुत दुखी था, परेशान था, अपने में परेशान था, और जो उसकी परेशानी थी उसको व्यक्त कर रहा था। मैंने ही उसको ये अर्थ दे दिया कि वो मुझे परेशान कर रहा है। इनफैक्ट वैसा नहीं था, वो खुद ही परेशान था। जब मुझे ये दिखाई दिया तो अब मेरा जो मानना था वो बदल गया। अब मेरा मानना इस आधार पे हो गया कि ये दुखी है इंसान। अब मुझे अपना जब संबंध दिखा तो मैंने इसको ऐसा पहचाना कि ये इंसान दुखी है, इसको मैं कैसे सहायता दे सकती हूँ, इसके लिए मैं क्या कर दूँ ताकि वो थोड़ा सुखी हो जाए। तो अब मेरा निर्वाह करना इस बेसिस पे है। तो ऐसा हमें दिखेगा कि हमारा जो पहचानना निर्वाह करना है, क्योंकि हमारी मान्यताएं बहुत सी हैं और मान्यताएं बदलती रहती हैं, इसलिए हमारा जो पहचानना निर्वाह करना है वो बदलता रहता है। कभी मानने पर होता है, कभी एक मानने पर, कभी मान्यता बदल गई तो दूसरी मान्यता पर, और इस तरह चलते रहता है। तो इसलिए हमारा जो रिस्पॉन्स है वो डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है। तो इसको अगर देखें तो अगर हम हमारा पहचानना निर्वाह करना सिर्फ मानने पर है, अभी जानना नहीं है, तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जैसे कि अभी जो बात हुई, जरूरी नहीं प्रॉब्लम ही हो, लेकिन वो हमारी मान्यता पे डिपेंड करेगा, है ना? तो अगर हमारी मान्यता सहज स्वीकृति की लाइन में है तो एक तरह का हमारा पहचानना निर्वाह करना होगा। हमारी मान्यता अगर सहज स्वीकृति की लाइन में नहीं है तो दूसरी तरह से हमारा पहचानना निर्वाह करना होगा। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये बार बार बदलता रहता है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। तो इस तरह से ये एक समस्या हो जाती है। तो अभी हम अगर इसको देखें तो बिना जाने अगर हम मानते हैं तो ये प्रॉब्लम है, हमारा आचरण अनिश्चित हो जाता है। इसको और खोल दें स्लाइड को। तो अगर हम जानने के आधार पर मानते हैं तो हम एक तरह से समाधानित होते हैं, क्योंकि हम जो जान रहे हैं वो अपने आधार पर है ना, स्वयं में जांच करके, सहज स्वीकृति के आधार पर, हमारे अंदर जो सहज स्वीकृति है उसके आधार पर हम अपने अंदर जांच कर रहे हैं, और उसी के अनुसार हम अपने जीने में अपना जो ये निष्कर्ष निकलता है, जो हम अर्थ देते हैं, वो हम अपने जीने में ला रहे हैं। तो अब क्या है कि हमारा जो मानना है वो निश्चित हो जाता है, वो जानने के आधार पर हो जाता है, और पूरी प्रकृति, पूरा अस्तित्व जैसा है वैसा जब हम देख लेते हैं और ये देख पाते हैं कि उसमें भी ना एक तरह से एक निश्चितता है, तो हमारे अंदर भी हम उसको देखते हुए वो जो प्रतिबिंब हमारे अंदर बनता है उसके बेसिस पे, उसके आधार पर हम भी अपने भाव विचार ठीक करके, हमारे भी व्यवहार ठीक हो जाता है और हमारा जो आचरण है वो निश्चित हो जाता है। और इसमें हम देख पाएंगे कि इसको हम स्वतंत्रता कह सकते हैं, क्योंकि हम अपने बेसिस पे, अपनी जांच के बेसिस पे, जो हमें दिखा उसके बेसिस पे हम अपना अर्थ बनाते हैं और उसी हिसाब से हमारा व्यवहार एक निश्चित ढंग से हो जाता है। लेकिन जब हम बाहर से कुछ मान्यता के बेसिस पे जब व्यवहार करते हैं तो वो हमारा जांचा हुआ नहीं है, ना हम अपनी सहज स्वीकृति को देख पा रहे हैं, तो ये हम बाहर के ऊपर परतंत्र हो गए, डिपेंडेंट हो गए। तो बाहर वाले ने चिल्लाया तो हम भी चिल्ला दिए,
बाहर वाला हंस के बोला तो हम भी हंस दिए, इस तरह से। तो बाहर का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा हमारे ऊपर हो जाता है, हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हम उसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि जैसा बाहर वाला दूसरा कोई मेरे साथ व्यवहार कर रहा है मैं भी उसी बेसिस पे व्यवहार करने लगती हूँ, टिट फॉर टैट इस टाइप का जो बोलते हैं। तो ये हम अपने अंदर भी देख सकते हैं। अभी समय हो गया है लेकिन एक कमेंट जल्दी से ले लेते हैं और उसके बाद हमें क्लोज करना होगा। नमस्ते। नमस्ते दीदी, मेरा प्रश्न ये है कि हम हमारा जो डेफिनेट हमारा जो कंडक्ट है, डेफिनेट या इनडेफिनेट, वो संस्कार आधारित होता है, मान्यता आधारित, मान्यता संस्कार आधारित है, तो रियल सेंस में संस्कार है कहाँ? बिकॉज ये अगर अपने साथ स्वयं के साथ अगर संस्कार जुड़ा हुआ है तो स्वयं का कुछ फिजिकल तो है ही नहीं, तो एग्जैक्टली संस्कार है कहाँ? ठीक है, इसकी बात हम कल करेंगे, आज समय हो गया है। तो ये आप सुबह जब ज्वाइन करेंगे कल तो 5:30 6:30 को आप ये प्रश्न रख सकते हैं, तो इसकी चर्चा कल कर। ठीक है, ठीक है, नमस्ते। जी, नमस्ते।